सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पाइथन का क्लास 11th का चैप्टर 2 और इसी वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर को बंद। तो अगर आपने चैप्टर 2 का पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाइए और पाइथन के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो आप पीछे वाला वीडियो देखकर आइए, जिसमें आपको पाइथन के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलेगा। और हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा तो उस प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम बेयर बोन्स कहते हैं, बेयर बोन्स का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर, तो उस प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं या फिर क्या क्या होते हैं। तो बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। तो द बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम आर एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, फंक्शन, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। इसका मतलब ये कि जो पाइथन प्रोग्राम के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ब्लॉक और इंडेंटेशन होते हैं। तो अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को जान लेते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। तो पहला है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स विद वैल्यूज टू इवेल्युएट। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि हम मैथ्स में x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड होता है, ऐसे एक हमारे पास इक्वेशन होती है। ओके, तो सेम हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने मान लीजिए कि x प्लस वाई लिखा, यानी कि प्लस जो है हम x और y कोई दो वेरिएबल्स हैं, यानी कोई दो नंबर्स हैं और हम उन x और y को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने के लिए हमने सिंबल यूज़ किया है प्लस। तो जो प्लस होगा वो एक सिंबल है और x और y ये दोनों वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों के सिंबल और वैल्यूज के कॉम्बिनेशन को हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर इंस्ट्रक्शंस दैट पाइथन कैन एग्जीक्यूट। यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने x प्लस वाई लिखा था तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन था। अब मैंने क्या किया कि x और y की वैल्यूज को कुछ डिफाइन कर दिया, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे, वैसे ही x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5, ऐसे करके मैंने कुछ उसका इंस्ट्रक्शन दे दिया कि x और y की वैल्यूज इतनी हैं, जो कि पाइथन जब आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट करेगा, वो उसे एज अ स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करेगा। थर्ड पॉइंट है कि कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होते हैं? दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटमेंट। यानी कि सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट लाइन में उस पूरे प्रोग्राम के बारे में एक लाइन लिखें जो कि पूरा जो पूरे प्रोग्राम के बारे में एक ब्रीफ कर दे, तो आप उस लाइन को हैशटैग की मदद से लिख सकते हैं, यानी हैश करके आप प्रोग्राम के बारे में कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देयर आर सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट्स अवेलेबल। यानी आप चाहें तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बहुत सारी लाइनों में भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि दीज आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे तो पाइथन का इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देगा। अब फोर्थ हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है फंक्शन। तो इट इज इटसेल्फ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट। यानी कि एक फंक्शन क्या होगा कि वो खुद में ही एक प्रोग्राम होगा और जो कि यूजर से इनपुट लेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर यूजर के सामने उसका आउटपुट देगा। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में भी हम यही करते हैं, प्रिंट एक फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं तो पाइथन, यानी हम उसे इनपुट दे रहे हैं, तो पाइथन क्या करता है कि उसको उसका पाइथन का इंटरप्रेटर उसे प्रोसेस करेगा और फिर लास्ट में हमें वो जो प्रिंट के अंदर हमने जो लिखा था वो उसे लास्ट में एज अ आउटपुट देता है। ठीक उसी तरह इनपुट फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। पांचवा है हमारे पास ब्लॉक और इंडेंटेशन। तो ब्लॉक और इंडेंटेशन क्या होता है कि ब्लॉक इज अ पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट्स एज अ यूनिट। यानी कि ब्लॉक एक छोटा सा पीस होगा कोड का जो कि एक यूनिट की तरह होगा और जब भी
प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो वो पूरा ब्लॉक एक ही बार में एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसको एग्जांपल के तरह से अच्छे तरीके से समझूं तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, तो इस पिक्चर में जो ये ब्लॉक वन है, ब्लॉक वन के अंदर यहाँ पर एक हमने कुछ स्पेस दिया इसका मतलब, और यहाँ से ब्लॉक टू स्टार्ट हुआ इसका मतलब ये कि ब्लॉक वन के अंदर ब्लॉक टू कंटेन करता है, और ब्लॉक टू के अंदर हमने कुछ स्पेस दिया और ब्लॉक थ्री, ओके, इसका मतलब ये कि जो ब्लॉक वन के अंदर ब्लॉक टू कंटेन है, ब्लॉक टू के अंदर ब्लॉक थ्री कंटेन है, लेकिन ब्लॉक वन के अंदर ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री दोनों कंटेन्ड है। तो जब भी ब्लॉक वन एग्जीक्यूट होगा पहले ब्लॉक वन को एग्जीक्यूट करेगा, ओके, फिर ब्लॉक वन को एग्जीक्यूट करके बाद में वो अंदर अंदर घुसेगा, ओके। अब इंडेंटेशन क्या होता है, तो इंडेंटेशन इज अ स्पेस गिवन फॉर बेटर रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर आप सेम इस पिक्चर में देखें कि ये जो आपको यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, ओके, आपको ये जो गैप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो गैप्स दिख रहे हैं, इन गैप्स को हम इंडेंटेशन बोलते हैं, जो कि एक टैब के इक्वल होते हैं या फिर चार स्पेस के बराबर होते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर सपोज अगर ब्लॉक दे देते हैं, ओके, तो पाइथन अपने आप उस चीज़ को इंडेंट कर देता है। यानी अगर इंडेंटेशन वहाँ पे नहीं हुआ तो पाइथन आपको अपने आप एरर शो करेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वेरिएबल एंड असाइनमेंट्स की, यानी कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उन वेरिएबल्स को कैसे वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा वेरिएबल का डेफिनेशन क्या कहता है। तो वेरिएबल का डेफिनेशन ये कहता है कि नेम्ड लेबल्स whose values can be used and processed during program run are called variables. तो अगर variable को समझने के लिए मैं एक अच्छा सा example दूँ, तो मैं क्या करता था कि shirt खरीदने के लिए D-Mart जाता था, तो D-Mart में company अपने shirt के ऊपर एक price tag लगा के देती थी। आपने भी देखा होगा जब भी आप शर्ट खरीदने जाते होंगे तो एक प्राइस टैग दिया जाता है जिसे हम लेबल भी कह सकते हैं। तो उस लेबल पे कुछ हमें वैल्यूज़ दी गई होती थी, जैसे कि शर्ट का दाम कितना है और उस शर्ट का नंबर क्या है। तो सेम अगर हम उसी को प्रीफर करें पाइथन के अंदर, तो पाइथन में भी यही होता है, हम एक नेम्ड लेबल यानी हम एक लेबल क्रिएट करेंगे। लेबल यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक लेबल की तरह होगा, और उस लेबल को हम कुछ वैल्यूज देंगे, जैसे कि जो शर्ट पे जो वैल्यूज लिखी होती थी, या तो शर्ट का नंबर होगा या फिर शर्ट का दाम होगा 199 रुपीज़ या 99 रुपीज़। ठीक उसी तरह हम भी यहाँ पे कुछ नेम्ड लेबल्स बनाएंगे और उस नेम्ड लेबल पे हम कुछ वैल्यूज देंगे, जो कि जब पाइथन प्रोग्राम रन करेगा तो उस टाइम उन वेरिएबल्स को या फिर उन नेम्ड लेबल्स को प्रोसेस करेगा और उसके हिसाब से हमें आउटपुट देगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, जैसे कि क्रिएटिंग अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अब मैं आ गया हूँ अपने इंटरेक्टिव मोड पे और यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्कूल का बच्चा है, उस स्कूल के बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, तो वो सबसे पहले स्कूल जाएगा तो स्कूल में क्या देखेगा, सबसे पहले देखेगा रिजल्ट का, रिजल्ट पे अपना नाम। तो मान लेते हैं नाम है उसका कुछ मुकेश। अब फिर उसके बाद देखेगा वो क्लास। जैसा कि मैंने कहा था कि हम कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये एक तरह से आइडेंटिफायर्स ही होते हैं। यानी हमने जो भी पिछली वीडियोस में आइडेंटिफायर को क्रिएट करने के रूल को समझा था, वो सेम वेरिएबल के क्रिएट करने को टाइम पे यूज़ होती हैं। तो क्लास एक कीवर्ड है, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे CLAS छोड़ूंगा और इसकी वैल्यू दूंगा कुछ 10। उसके बाद वो बच्चा क्या देखेगा कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स है। मैथ्स में उसके मार्क्स आए मान लेते हैं 89, ओके। फिर वो देखेगा कि उसके साइंस में कितने मार्क्स आए, मान लेते हैं 87,
और ऐसे ही करके वो सारी मार्क्स देखेगा, फिर बाद में वो देखेगा कि उसका टोटल कितना आया 500 में से। तो टोटल मान लेते हैं उसका 500 में से आया है 400। बस पाइथन में हमें यही करना होता है, हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए, हमने उनका नाम बनाया, इतना ही सिंपल है पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करना। आगे थोड़ा अगर हम इसको और करके देखें तो हम लिखते हैं यहाँ पर नेम मुकेश, फिर यहाँ पे लिखा क्लास, मैथ्स में कितने नंबर आए, साइंस में कितने नंबर आए और टोटल कितने नंबर आए 400। तो देखा आपने, इतना सिंपल है इन वेरिएबल्स को क्रिएट करना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो स्टोरेज कंटेनर नहीं होते, यानी कि हम जो वेरिएबल्स में जो भी हमने वैल्यूज़ डिफाइन की तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो उन वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रही, वो सिर्फ लोकेट की जा रही हैं। इसका मतलब हमें इसे समझने से पहले हमें थर्ड पॉइंट को समझना होगा, पाइथन्स हैंडलिंग ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि पाइथन वेरिएबल्स को कैसे हैंडल करता है। इसे समझने के लिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा। इस बॉक्स में मैंने कुछ, ये 10x10 का बॉक्स है, इसमें मैंने क्या किया कि सपोज़ इस बॉक्स को समझना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम एक जूते की दुकान पे गए, शूज़ की दुकान पे गए हम, तो वहाँ पे क्या होगा, शूज़ की दुकान में जो भी, अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जितने भी जूते होंगे सबको बोरे में भर भर के एक जगह कोने में फेंका गया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जूते की दुकान पे कैसा होता है कि सपोज़ नाइकी के शूज़ हैं तो वो एक किसी अच्छे से रैक में मस्त जगह पे पड़े होंगे, एडिडास के शूज़ हैं तो दूसरी साइड में मस्त जगह पे पड़े होंगे, और अगर बाटा के शूज़ हैं तो वो मस्त किसी दूसरी साइड में पड़े होंगे, यानी उन तीनों को अच्छे से सजा करके रखा गया होगा। तो सेम अगर मैं मान लूँ कि वो जो जूते की दुकान थी वो एक वेरिएबल थी, और जो जूते जहाँ जहाँ पे रखे गए थे वो लोकेशंस थे, तो सेम हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स एक जूते की दुकान है, और इस जूते की दुकान में ये जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये जो बॉक्सेस हैं ये कुछ लोकेशंस हैं। ये तो हुई नॉर्मल बात, अब बात करते हैं हम पाइथन की, ठीक है। तो पाइथन में क्या होगा, अगर मैं पाइथन के हिसाब से इसको देखूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल, ओके। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल जिसको मैं सबसे पहले दूंगा, ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया तो इस वेरिएबल में जो भी हम वैल्यूज़ असाइन करने वाले हैं, हम मान के चलते हैं कि वो यहाँ पे यानी इस बॉक्स में स्टोर होने वाली हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि x की जो पहली वैल्यू मैं दूंगा वो दूंगा मैं 45। तो अब ये 45 जो है वो इसमें स्टोर हुआ, इस कंटेनर में, तो अब उसे एक नया मेमोरी लोकेशन मिला, यानी उसे इस 45 को एक अच्छी सी सुंदर सी जगह पर रख दिया गया और उसका एक लोकेशन डिसाइड कर दिया गया कि भाई अब से तुम 6th नंबर पर रहोगे, यानी ये तुम्हारा लोकेशन है, यहाँ से तुम हिलोगे नहीं। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं x को प्रिंट करूँगा तो हमेशा 45 प्रिंट होगा, ओके। तो ये x जो है ये 45 x के अंदर स्टोर नहीं है, ये जो 45 है ये इस कंटेनर के यानी वेरिएबल के कंटेनर के एक किसी मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है, ओके। अगर मैं सेम यहाँ पे अगर मैं इसे दूसरा वेरिएबल देता हूँ 85, तो अब क्या होगा कि ये 85 ये जो x है, यानी अब x की वैल्यू मैंने 85 कर दी, ये मैं इस वैल्यू को रीअसाइन कर रहा हूँ, यानी x जो वेरिएबल है इसे हम रीअसाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस 85 को वापस x की वैल्यू अब 85 हो गई, तो अब ये x की वैल्यू भी इधर पे ही सेव हो रही है इसी कंटेनर में, लेकिन इस 85 का जो मेमोरी लोकेशन है वो अब 4th पे आ चुका है,
यानी हुआ कुछ नहीं, 45 अब भी ये इसी कंटेनर के अंदर है, लेकिन उसका रेफरेंस पॉइंट टूट चुका है। अब ये जो एक्स है ये इस मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है, ये इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम सबसे पहले मैंने किया था 45, ओके, तो अब मैं क्या करूँगा और फिर इसे मैं इसकी आईडी चेक करूँगा। तो आईडी चेक करने के लिए हम आई और डी वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आईडी आपको लिखना है और फिर ब्रैकेट ओपन करके एक्स और कुछ नंबर आएगा। तो ये जो नंबर आया ये है मेमोरी लोकेशन, यानी जो एक्स जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था उस वेरिएबल के अंदर कोई मेमोरी लोकेशन था और उस मेमोरी लोकेशन का नंबर ये था, ओके। तो यानी जो एक्स इज इक्वल्स टू 45 था वो इस मेमोरी लोकेशन पे सेव था। अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूं, ओके, अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूं तो 45 प्रिंट हुआ, यानी कि ये 45 इस मेमोरी लोकेशन पे सेव था। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को रीअसाइन करता हूं, तो x इज इक्वल्स टू मान लिया हमने इसे कर दिया 85। फिर मैं वापस इसकी आईडी चेक करूंगा, तो आईडी में अगर x की चेक करूं तो यहां पे ये क्या चेंज हो गया, यहां पे चेंज आया ना, ये और इसमें काफ़ी डिफरेंस आया, यानी मेमोरी लोकेशन अब चेंज हो गया है। अगर अब मैं x को प्रिंट करूंगा तो 45 प्रिंट नहीं होगा, अब क्या प्रिंट होगा, 85। आई होप समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे पाइथन वेरिएबल्स को हैंडल करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स की। यानी कि मल्टीपल असाइनमेंट्स का मतलब ये है कि हम पाइथन के अंदर कैसे मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो x इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 और z इज इक्वल्स टू 8, x, y, z तीनों की वैल्यू 8 है, तो मैं इनको ऐसे न लिखने के बजाय मैं इनको लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 8। तो तब जब भी मैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करूँगा तो 8 ही आएगा। अच्छा, ये तो हमने ऊपर कर दिया था, हम एक करते हैं a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो अब जब भी मैं a प्रिंट करूँगा तो 5 आएगा, b प्रिंट करूँगा तो भी 5 आएगा और फिर उसके बाद c प्रिंट करूँगा तो भी 5 आएगा। जैसे कि ऊपर मैंने x किया था तो 8 आया था, अगर मैं y करूँ तो भी 8 आएगा, z करूँ तो भी 8 आएगा। तो ऐसे होते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कि x और y को मैं एक ही लाइन में दो अलग अलग वैल्यूज दे दूँ, तो x, y इक्वल्स टू 4, 5। अब अगर मैं x प्रिंट करूँ तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, y प्रिंट करूँ तो 5 प्रिंट होगा, ओके। तो हम चीज़ों को यानी वेरिएबल्स को ऐसे भी मल्टीपली असाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास पांचवा पॉइंट है वेरिएबल डेफिनेशन का। तो वेरिएबल डेफिनेशन तो हमने पहले पढ़ा ही था, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ा अलग है। कैसे, चलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि हमने यहाँ पे ए बी सी और एक्स वाई जेड को ही असाइन किया है, वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करूँगा एस, ओके। मैंने f अभी इस नाम की कोई हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि f प्रिंट हो, कुछ भी हो जाए प्रिंट तो होना ही है। तो मैंने लिखा प्रिंट f, लेकिन ये क्या, यहाँ पे जो f है एक एरर आया जो कि बोल रहा है नेम एरर, नेम एरर यानी कि नेम f इज नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, मैं f की वैल्यू डिफाइन करता हूँ 56 और अब मैं प्रिंट करूंगा f, अब आ गया। तो इसका मतलब ये था कि जब तक हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, तब तक वेरिएबल रियल में क्रिएट नहीं होगा। यानी कि वेरिएबल को क्रिएट करना है तो आपको उसे वैल्यू देना कंपलसरी है, और अगर आप किसी चीज़ को वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको
वेरिएबल क्रिएट करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है। तो डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि अगर इसका हम डेफिनेशन समझें तो अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि ये x मैंने वेरिएबल डिफाइन किया था, तो x की मैंने सबसे पहली वैल्यू दी यहाँ पे 6, ओके? तो ये जो वेरिएबल था वो सबसे पहले एक 6 तो एक इंटीजर वैल्यू थी, तो वो इस पॉइंट को रेफर कर रहा था, इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इस x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया। तो हाई तो अब एक स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या हुआ, चूंकि मैंने इसे दोबारा डिफाइन किया तो अब इसका x का रेफरेंस पॉइंट तो चेंज हो गया। तो अब इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज होने के साथ साथ ही इसका टाइप भी चेंज हो गया, जैसे कि ये यहाँ पर हाई। अगर मैं वापस इसको आईडी में करके देखूँ, तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इज इक्वल्स टू 6, ओके? और अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप और फिर जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है उसका नाम। तो यहाँ पे आ गया इंटीजर। तो यानी हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया उसका नाम, मतलब वो इंटीजर टाइप का वैल्यू था। अब हमने क्या किया कि x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे नाम सेव करूँगा और लिखूँगा मुकेश, ओके? तो अब मैं इसकी अगर टाइप पता करूँ तो टाइप ऑफ x, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप चेंज हो गया। यानी अब पहले जो इंटीजर टाइप था अब वो स्ट्रिंग टाइप में हो चुका है, जो कि एक डायनेमिक, जो डायनेमिक लैंग्वेज होती है उसकी एक खासियत होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पहले इंटीजर वैल्यू को कर दिया फिर उसके बाद आपने उसे अगर स्ट्रिंग करने गए तो पाइथन आपको बोलेगा ना भाई ना, पहले तो तुमने मुझे इंटीजर डिसाइड किया था और अब तुम मुझे स्ट्रिंग कर रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ C++ करता है। लेकिन पाइथन आपको बोलता है तुमने मुझे अगर पहले इंटीजर किया था तो अब तुम मुझे स्ट्रिंग कर दो, अगर तुम्हारा स्ट्रिंग से भी मन ना भरे तो तुम मुझे किसी दूसरे टाइप में चेंज कर दो, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। तो ये होती है पाइथन की खासियत, जो कि है डायनेमिक टाइपिंग, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है पाइथन में। अब बात करते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट की, यानी पाइथन के अंदर हम कैसे इनपुट ले सकते हैं और इस इनपुट को प्रोसेस करके कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं। इनपुट के लिए हाउ टू यूज़ इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, रीडिंग नंबर्स। यानी कि हम चलते हैं और वापस देखते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन को। तो अगर हमें किसी से इनपुट लेना है, यानी किसी यूज़र है, ठीक है, कोई यूज़र है, हमें अगर उससे इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे कि इनपुट वर्ड का इस्तेमाल करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, मान लेते हैं हमें किसी का नेम इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे नेम, और इस नेम पे हम, मान लीजिए हमें इसे इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, इनपुट लिखना है आपको और उसके अंदर ब्रैकेट में आपको लिखना है डबल कोट में एंटर योर नेम, गॉट इट? फिर इसको रन किया तो एंटर योर नेम, मैंने किया मोहित, कोई बात नहीं, कोई एरर नहीं। अब मान लेते हैं कि मुझे एज लेना है उस बंदे का, तो मैं क्रिएट करूंगा वेरिएबल एज। अब चूंकि एज तो एक नंबर होगा, तो नंबर्स को कैसे इनपुट लिया जाता है, नंबर को इनपुट लेने के लिए हमें उसका टाइप बताना होगा और उसका टाइप इंटीजर होगा। तो इंटीजर के अंदर हम यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन और उसके अंदर हम लिखेंगे एंटर योर एज, ओके? ऐसे एंटर योर एज, मैंने किया 45, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, तो इनपुट ऐसे लिया जाता है।
अब ये दूसरा पॉइंट जो था कि इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। हाँ, अगर आप कोई नंबर भी लिखते हैं तो भी वो आपको स्ट्रिंग टाइप ही वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर मैं चलूँ वहाँ पे और अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे प्रिंट एज 45, तो ये जो वैल्यू आई ये एक स्ट्रिंग टाइप है। सेम अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ प्रिंट नेम मोहित, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप है। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट के लिए तो हम प्रिंट स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो ऑटो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, यानी आप उसे इंटीजर दो, रियल नंबर दो या फिर लेस डिक्शनरी कुछ भी दे दो, आप उसे आपको प्रिंट स्टेटमेंट, तो वो बोलता है कि भैया मैं तो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करूँगा, आप चाहे मुझे नंबर दो, चाहे मुझे स्ट्रिंग ही क्यों ना दे दो, या फिर आप चाहे मुझे कुछ दूसरा ही टाइप क्यों ना दे दो, लेकिन मैं करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट इंसर्ट्स स्पेसेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली बिकॉज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेप आर्गुमेंट इज स्पेस। यहाँ पे ये जो सेप है इसका मतलब है सेपरेट, तो सेपरेट के लिए सेप एक कीवर्ड है। ओके, तो इट इंसर्ट्स स्पेसेस बिटवीन आइटम्स, यानी अगर आप स्पेस ऐड करना भूल जाएं, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो स्पेस ऐड करना कभी नहीं भूलता। बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप एक बार ऐड भी कर देते हैं तो भी वो कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा ही देता है स्पेस को प्रिंट करने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि इन प्रिंट फंक्शन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। यानी कि अगर आप एक सपोज़ आपने वर्ड लिखा, हम इन फीचर्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लास्ट में हम दो प्रोग्राम्स करने वाले हैं तो हम वहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को हम ये क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब जो पाइथन का जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर होता है वो प्रिंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। तो अब जब हमने जान लिया है कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं और यूज़र से कैसे इनपुट लिया जाता है और साथ ही उस इनपुट को प्रोसेस करके कैसे उसे आउटपुट के रूप में प्रिंट किया जाता है, तो बिना देर किए हुए अब हम करने वाले हैं दो प्रोग्राम्स, जिसमें से हमारा पहला होगा कि WAP का मतलब यहाँ पर है कि राइट अ प्रोग्राम। ओके, तो ये WAP राइट अ प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। तो राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम, यानी कि हम यूज़र से 3 नंबर इनपुट लेंगे और उन तीनों नंबर को ऐड करके उसका सम हम प्रिंट करेंगे। ओके, दूसरा प्रोग्राम हमारे पास होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, जैसा कि फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम यूज़र से रेक्टेंगल का लेंथ लेंगे, इनपुट लेंगे लेंथ को और ब्रेथ को, और साथ ही उसके हिसाब से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करेंगे। तो फिर बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं अपना पहला प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं ओपन करूँगा आइडियली, हम इस दोनों प्रोग्राम को स्क्रिप्ट मोड में ही लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। ओके, तो अब हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। नंबर 1 इज इक्वल्स टू, हम इनपुट क्या ले रहे हैं, नंबर्स, तो इसके लिए नंबर्स इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है INT। ओके, फिलहाल में ये इंटीजर ही होगा जो भी नंबर होगा, और फिर इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। उसी तरह दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे
और फिर करेंगे तीसरा, और फिर यहाँ पर सेम चीज़ों को लिख देंगे। ये होगा हमारा एंटर सेकंड नंबर, और फिर एंटर थर्ड नंबर। ओके, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे तीनों नंबर्स को इनपुट तो ले लिया, अब उन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम एक रिज़ल्ट बनाएंगे, रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करेंगे नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3। ओके, और लास्ट में इसे हम कर देंगे प्रिंट। ओके, और अगर हमें इसे थोड़ा और अच्छा बनाना है ताकि ये अच्छा लगे देखने में, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज, कॉमा से सेपरेट किया और फिर रिजल्ट। अब इसे रन करेंगे, रन करने के लिए F5 प्रेस किया, इसको करना होगा सेव। मैं यहाँ पे सेव करूँगा .py एक्सटेंशन से, याद रहे। और फिर मैंने इसे रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर 5 ऐड किया, 8 किया, 3 किया। ओके, यहाँ पे हो गया 16। ओके, तो अब पहला प्रोग्राम तो हमारा हो चुका है, अब चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की ओर। दूसरा प्रोग्राम हमें क्या कहता है कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करना है। एक काम करते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूंगा, और दूसरा यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैं करूँगा L यानी लेंथ वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और इसके लिए int, उसके अंदर इनपुट फंक्शन, और उसके अंदर लिखेंगे कि एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और फिर इसे क्लोज। फिर यहाँ पे सेम b इक्वल्स टू यहाँ पर c, और यहाँ पे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है कि इसको जो रिजल्ट आएगा इसको हम स्टोर करेंगे एक अलग वेरिएबल में, जो कि होगा एरिया इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, और फिर लास्ट में हम इसे कर देंगे प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया। ओके, अब इसे भी मैं सेम रन करूंगा, तो एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे मैंने किया 5, एंटर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो 3, तो आंसर क्या आया 15। तो बस यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, और अगर इस वीडियो में आपको, या फिर सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इस चैप्टर से अगर कोई सा भी डाउट है तो आप मुझे चाहे तो कमेंट कर दें नीचे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर उससे भी मन ना भरे तो आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जहां हम स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। तब तक के लिए गुड बाय।